अभी की बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर क्यों बटा सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन। 161 वकीलों ने अध्यक्ष को हटाने के लिए सीजीआई को लिखी चिट्ठी। किसान आंदोलन के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वकील दो हिस्सों में बढ़ते नजर आ रहे हैं। बात यहां तक पहुंच चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 161 सदस्यों ने अध्यक्ष दानिश श्री अग्रवाल को पद से हटाए जाने की मांग कर डाली। इन वकीलों ने उस पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसमें अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए जर्नल बॉडी की मीटिंग बुलाने की बात की गई है। अब आपके जहन में यह सवाल आ सकता है कि इसका किसान आंदोलन से क्या लेना देना है। दरअसल बार एसोसिएशन अध्यक्ष दानिश श्री अग्रवाल ने मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिख किसानों के खिलाफ स्वेतः संज्ञान लेने की मांग की थी। बार एसोसिएशन के सदस्य ने कहा कि अध्यक्ष दानिश श्री अग्रवाल के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह SCBA के इसके लेटर का उपयोग करके ऐसे पत्र लिखे। इन वकीलों के जरिए जारी किए गए पत्र में लिखा है, हम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य SCBA की जनरल बॉडी से तत्काल बैठक बुलाने की मांग करते हैं जिसमें अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव पास हो। वकीलों का यह कदम अध्यक्ष अग्रवाल द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को किसान के विरोध के लिए स्वेतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने के लिए लेटर लिखे जाने के बाद आया है। दरअसल दानिश श्री अग्रवाल ने लेटर में लिखा था कि इसमें पहले शनिवार 21 और 22 में हुए विरोध प्रदर्शन में दिल्ली के लोगों को मुश्किलें हुई थीं। आम लोग अस्पताल तक नहीं पहुँच पा रहे थे। रास्ता रोकने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करने को लेकर यह लेटर लिखा गया था। इसके अलावा दानिश अग्रवाल ने किसानों के विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक आंदोलन बताया था। जनसत्ता की रिपोर्ट।